टेंट दे विच धरना लगा के बैठी यह औरत कोई धरनाकारी नहीं है बल्कि इस घर की नूह है। हालांकि ये वह नूह है जिसनों की पांच साल पहला बड़े चावां दे नाल बड़ी खुशियां दे नाल ढोल धमाकियां दे नाल व्याह के लिया गया सी ते हुण उस नूह नूं अपने घर भी नहीं वड़न दिता जा रहा। आलम यह है कि चार साल के बेटे नूं भी इस औरत नूं नहीं मिलन दिता जा रहा ते इस औरत दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने कि सौरा परिवार दे वल्लों उसके चार साल के बेटे नूं भी किडनैप कर लिया गया है। हालांकि दस दिए कि पांच साल पहला इस औरत का विआह हुंदा है, बड़ी खुशी खुशी विआह हुंदा है ते उस तो बाद दे विच इक बेटा हुंदा है। बेटा होने तो बाद सारा कुछ सही चल रहा हुंदा है पर किसी कारण करके दोवां ही पति पत्नी दे विच अनबन हो जाती है। अनबन होने तो बाद इस नूं घरों कढ दिता जाता है। घरों कढ़न तो बाद जदों ये औरत अपने बेटे नूं मिलन आउंदी है तां इस दे बेटे नूं भी उसके नाल नहीं मिलन दिता जाता तां जिस तो बाद इस औरत दे वल्लों थाणियां दे चक्कर कट्टे जांदे ने, थाणियां दे विच शिकायतां दित्तियां जांदियां ने पर बावजूद इस दे कहा जा रहा है कि उसके बेटे नूं नहीं मिलन दिता गया। हालांकि इस औरत दे वल्लों जो एस एच ओ है उसके उपर भी काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। इस औरत का कहना है कि कमिश्नर तक नूं मिल के आई है, कमिश्नर दे वल्लों एस एच ओ नूं हुक्म किए गए सी पर एस एच ओ जो है किसी भी गल नूं नहीं मान रहा। तो खबर फरीदाबाद तो सामने आ रही है जिथे कि एक नूं ने अपने सहुरे घर के बाहर टेंट गढ़ दिता, धरना दिता जा रहा है तो मंग की जा रही है कि उसनूं उसके बेटे दे नाल मिलवाया जाए। उसका कहना है कि इस सहुरे परिवार के वल्लों बेटे नूं किडनैप कर लिया गया। हालांकि परिवारक मैंबरों का कहना औरत दे कि इसका पति जो है इस दे नाल शराब के नशे के कुटमार करता सी। हालांकि जदों इसने पहली बार शिकायत दी पुलिस नूं तां उस समय पुलिस ने दबाव पा के दोवां दे विचकार समझौता करवा दिता सी पर बाद दे विच इक वार फिर तो जदों लड़ाई हुई तां इस नूं घरों ही कढ दिता ते बेटे नूं अपने कोल रख लिया ते हुण मां बेटे नूं दोवां नूं आपस दे विच मिलन भी नहीं दिता जा रहा। मेरे को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, मेरे को मेरा बेटा नहीं दिया जा रहा है। पाँच दिन से मैं पुलिस स्टेशन के धक्के खा रही हूँ, सबके कमिश्नर सर तक मैं मिल के आई हूँ, उन्होंने बोला है कि इसको इसका बच्चा दिलवाया जाए, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलता है। एस एच ओ सर को बार बार उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किए हैं, उसके बावजूद भी वो मेरी कहीं से कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। कल उन्होंने आई ओ भेजे हैं, वो अंदर जाके देख कर आए हैं, उनके घर का तो कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला है। बाहर निकले हैं तो एक हिमांशु भाटिया जो खुद तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, मर्डरर हैं बहुत बड़े, इतने साल वो तिहाड़ जेल में रहे हैं। और उसके बाद एक गौरव भाटिया हैं, इनके जीजा के भाई गौरव कपूर है उनका नाम, और वो अभी रेप केस में रिसेंटली बाहर निकले हैं। मुश्किल से भी उनको 10 दिन हुए होंगे, रेप केस चल रहा था, उन पे उम्र कैद की सज़ा थी उनको, और अब वो निकले हैं बाहर और फिर वो इन पचड़ों में पड़ रहे हैं। और अब उनको उनकी सुनवाई की जा रही है, उनकी सुनवाई हो रही है, इतने बड़े क्रिमिनल्स की सुनवाई हो रही है। पुलिस क्रिमिनल की बात सुन रही है और आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। मुझे तो ऐसे चुप करवाया जा रहा है, चुप हो जा, तू चुप हो जा, क्या कारण मानते हो आप, क्या बता सकते हैं? हाँ, मैं खाए हुए हैं, इन्होंने चढ़ावा चढ़ गए हैं इनको, सीधा सीधा कह रहे हो, चढ़ावा चढ़ गया है, उसकी कार्रवाई चढ़ गए हैं इनको, और मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। डीसी ऑफिस, कमिश्नर सर, अब इसके बाद मेरे पास सीएम विंडो बची है, मैं उसमें वहाँ पे जाके वो करूँगी, पर उससे पहले मुझे लगा कि यहाँ पर मीडिया में ये बात जनता तक, कल को किसी भी बहन बेटी के साथ फिर से हो सकता है, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ हो, इस वजह से मैंने आपको बुलाया है ताकि जनता तक ये बात जानी चाहिए, फरीदाबाद में ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आदर्श नगर बल्लभगढ़ थाने के जो एसएचओ हैं वो गुड फॉर नथिंग। एसएचओ नहीं कह सकते, पुलिस कमिश्नर कह सकते हैं उनसे, क्योंकि जब कमिश्नर की बात नहीं मान रहा एक एसएचओ तो वो कमिश्नर है अपने आप में। अब नहीं सुन रहे हैं मेरे सामने तो जो बातें मैं देख रही हूँ, अब मेरे को मुझे वो साफ कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते तो कौन करे। आप लोग आए हो सर, पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मदद के लिए आए हो। ये मेरी मामा की बेटी हैं टोहाना से और मैं फतेहाबाद से हूँ। दिनांक 26/7 से मेरी बहन के साथ यहाँ पे मारपीट हो रही थी, जिसकी शिकायत मेरी बहन ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में दी। तो 26 तारीख को पुलिस ने दबाव में लाकर दोनों पक्षों को समझौता करा दिया और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने लिख के दिया कि मैं अब अपनी वाइफ को शराब पी के नहीं मारूंगा और 15,000 रुपये महीना अपनी वाइफ को भी दिया करूंगा। तो बस उसके बाद 28-29 तारीख को दोबारा इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके लिए जब नेहा ने कंप्लेंट करी दोबारा आदर्श नगर थाना में जाकर,
तो पूरा दिन वहाँ पे पुलिस स्टेशन स्टाफ ने, जो भी स्टाफ था, इसको पूरा दिन खड़े रखा, भाई सुनते हैं आपकी बात, सुनते हैं आपकी बात, और शाम को बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इनको बस एक रसीद दे दी, कोई FIR दर्ज नहीं करी इसके उस पर, और कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो अगले दिन फिर मेरे से इन्होंने बात करी, तो मैंने कहा कि आप दोबारा थाने में जाओ, देखते हैं क्या होता है। दोबारा ये थाने में गई है, सारा दिन वहाँ पे जाके खड़ी हुई है, और शाम को फिर बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यहाँ से चली जा। मतलब सारा दिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इससे बात भी नहीं करने आया। एक तारीख को फिर हम यहाँ पे आए हैं, एक तारीख को फिर हम आदर्श नगर थाना में गए हैं, और आदर्श नगर थाना में सुबह लगभग हम 11 बजे पहुँचे हैं, तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ एक बर्फी मैम थे, वो वहाँ पे मिले। हमें बोलते हैं कि CWC के लिए नेहा को बोला गया था कि एक तारीख को आप आ जाओ, CWC वालों को बुला के आपका बच्चा आपको दिलवा देंगे। पर जब हम 11:30 बजे वहाँ पे पहुँचे, बर्फी मैम को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि हम 11:30 बजे पहुँच जाएंगे, तो उन्होंने बोला आ जाओ कोई नहीं, CWC को बुला लेंगे हम। हमारे पहुँचने के बाद कोई CWC उन्होंने नहीं बुलाई। लड़के वालों से संपर्क किया तो बर्फी मैम बोलते हैं कि लड़के वालों का नंबर स्विच ऑफ है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं अपनी बहन को लेके CP ऑफिस गया हूँ। CP सर से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी है, सर मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ, आप हमारी 5 मिनट बात सुन लें। CP सर ने जब हमारी बात सुनी तो तुरंत आदर्श नगर थाना में उनको कंप्लेंट दिया है, SHO को, मतलब आदेश दिए कि लड़की को अपना बच्चा इमीडिएट दिलवाया जाए। उसके बाद जब हम आदर्श नगर थाना में, SHO ने हमें बोला कि आप 5 बजे आ जाइएगा शाम को, 5:30 बजे। तो हम 5:30 बजे जब पहुँचे तो आदर्श नगर थाना ने हमसे मीटिंग करी और हमें बोला कि कहाँ गए थे तुम, ये नया बाटिया कल मुझे बोल देती, CP सर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, ACP के पास जाने की। मैं हम ACP सर के पास नहीं गए, हम CP सर के पास गए हैं। CP सर के यहाँ पे PA हैं मिस्टर हर्षवर्धन, 2 स्टार हैं वो। उन्होंने स्पीकर ऑन करके SHO को बोला था कि CP सर के आदेश हैं कि लड़की को अपना बच्चा दिलवाया जाए। बट जब हम दोबारा यहाँ पे आए, उस मीटिंग के दौरान थाना जो SHO हैं मिस्टर अमित कुमार, उन्होंने बोला कि अब तो चाहे प्रधानमंत्री को ले आओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, क्या तुम जाओ CP के पास, CP से ही करवा लो काम। मतलब थाना SHO सदर ऐसा, आदर्श नगर ऐसा लग रहा है कि जैसे CP से भी ऊपर का अधिकारी हो। मतलब हमने तो ऐसा अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने SHO को, SHO कितना बड़ा अधिकारी है सर, SHO एक थाने का इंचार्ज ही है, अदरवाइज तो वो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है, थाने के बाहर तो उसका कुछ नहीं है। तो मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो CP का भी बाप हो। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं मेरी बहन को बच्चा दिलवा दिया जाए, अन्यथा नहीं दिलवा सकते। जो SHO का कहना है कि हम बच्चा नहीं दिलवा सकते, तो कम से कम मेरी बहन को अपने घर में एंटर करा दिया जाए। मर्द हैं और मोटा पैसा इन्होंने खा रखा है। मतलब हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप ये देखिए कि 5 दिन से एक लड़की घूम रही है थाने में, सड़कों पर, रात को ये यहाँ पे पार्क में रही है। सुबह परिवार ने फिर भी किसी ने नहीं, परिवार ने कुछ नहीं किया। आज सुबह जब टेंट लगवाने के भी, चलो धूप है टेंट लगवा लिए जाएं, तो परिवार वालों ने रोका कि यहाँ टेंट नहीं लगेगा। तो जब घर में नहीं तुम एंटर कराओगे, एक तरफ सरकार कहते हैं कि बेटियों के लिए बहुत अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये पढ़ी हुई बेटी है, इसको बचा लो भाई। मैं सरकार का नारा फेल होता, सरकार का नारा क्या, सरकार ही फेल है। सीमा तरीखा यहाँ की जो MLA हैं, हमने उनसे कुछ मीटिंग करने की कोशिश करी, कोई उनके ऑफिस से रिप्लाई नहीं, फोन ही नहीं उठाया। महिला आयोग की चेयरमैन है रेणु भाटिया, परसों मेरी बहन ने उसको फ़ोन किया है, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। कल फिर दोबारा मेरे भाई ने फ़ोन किया, उनका फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने जब फ़ोन किया तो वो बोलते कि कल 12 बजे आ जाओ, मेरी चाची की डेथ हुई हुई है। मतलब रेणु भाटिया महिला आयोग की चेयरपर्सन हो के एक महिला की वो नहीं कर रही, तो काहे की चेयरपर्सन भाई, कौन रेणु भाटिया, और हम भी भाटिया। बिल्कुल जी, आप ये देखें, भाटिया होके चेयरपर्सन होके भाटियों की मदद नहीं कर सकते, तो XYZ की ये क्या मदद करेंगे। ऐसी चेयरपर्सन का क्या करना है। यहाँ की MLA है सीमा त्रिखा, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कोई मंत्री अब शिक्षा मंत्री हैं, फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री प्रभार है उनके पास, शिक्षा मंत्री हैं। की अगर बात की जाए, तीन मंत्री हैं के बावजूद भी इस तरीके का, बिल्कुल मतलब आप ये देखो, सरकार पूरी विफल है। और ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी वहाँ चंडीगढ़ में बैठ के रोज लोगों की शिकायतें सुनते हैं। एक टाटा एस भर के रोज शिकायत पत्र डिफरेंट ऑफिसेज में चले जाते हैं, भी इनका निपटारा करो। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। जो नायब सिंह सैनी, मेरे को नहीं लगता ये BJP कामयाब हो जाएगी इस बार। इसको आप पॉलिटिकल एजेंडा मत समझें, मेरी बहन का दर्द है बस। ठीक।